इसकी पत्ती को ऐसे तोड़ लीजिए दोस्तों आप देखेंगे कि इसमें से दूध निकलता है दोस्तों देखिए हम पत्ती तोड़ते हैं और दिखाते हैं आपको दूध कहाँ निकलता है दोस्तों ये देखिए दूध निकल रहा है पर इसी का इस्तेमाल करिए दोस्तों नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे अच्छे होंगे दोस्तों मेरे चैनल देसी घरेलू ज्ञान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही छोटी सी और छोटी दुर्लभ जानकारी लेकर हाजिर हूँ दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा हमारे धरती पर जितने भी जंग जंगली घासें होती हैं दोस्तों सब जड़ी बूटी होते हैं लेकिन बस हमें इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है दोस्तों हम इस्तेमाल इसी का करते हैं चाहे उस आयुर्वेद के रूप में इस्तेमाल करें पैसा दे के चाहे अपने आप इस्तेमाल कर लें दोस्तों अगर आपको जानकारी रहेगी तो आप अपनी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज स्वयं कर सकते हैं तो यही कोशिश करता हूं मैं अपने चैनल देसी घरेलू ज्ञान के माध्यम से कि आपको जानकारी दी जाए और आप अपना इलाज स्वयं कर सकें तो दोस्तों जैसा कि आप मेरे वीडियो में एक पौधा देख रहे होंगे दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये पौधा हम आपको क्यों दिखा रहे हैं लेकिन दोस्तों ये बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी होती है और आपने शायद इसके बारे में सुना भी होगा बहुत से लोग इसको देखे भी होंगे लेकिन दोस्तों इसके फायदे के बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा तो दोस्तों हम बताते हैं आज आपको इस जंगली जड़ी बूटी के बारे में कुछ बहुत ही बेहतरीन फ़ायदे दोस्तों इसको दूधी बोला जाता है दोस्तों दूधी दो तरह की होती है एक छोटी दूधी और एक बड़ी दूधी दोस्तों ये बड़ी दूधी होती है दोस्तों ये भी अपने आप में किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होती है बस इसके बारे में हमें जानकारी नहीं रहती है दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप दूधी घास का इस्तेमाल करके किन किन रोगों का इलाज स्वयं कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले आपने देखा होगा कि कील मुहासे जिसको हो जाते हैं उसका चेहरा पूरा काला हो जाता है और उसको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं कील मुहासों की दोस्तों दाग धब्बों की बहुत ही बेहतरीन दवा दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है आपको इसके पत्ते को ऐसे तोड़ देना है दोस्तों मैं तोड़ के दिखाता हूँ आपको दोस्तों आप इसका पत्ता जब तोड़ेंगे तो इसमें से दोस्तों दूध निकलता है ये देखिए दोस्तों आपको दिख भी रहा होगा तो ये सफ़ेद सफ़ेद दूध निकल रहा है दोस्तों यही दूध आपको अपने कील मुहासे जहां आपको हुए जहां आपको दाग धब्बे हैं दोस्तों आप लगा लीजिए आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि कील मुहासे आपकी पाँच से सात दिन में एकदम जड़ से गायब हो जाएंगे दोस्तों ये जल जाएंगे और आपका चेहरा एकदम बेदाग हो जाएगा इसके अलावा दोस्तों अगर मान लीजिए आपके बाल झड़ रहे हैं दोस्तों अगर आपके बाल टूट जाते हैं अगर आप कंघी करते हैं तो आपके बाल टूटते हैं तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों आप दूधी के कुछ पत्ते तोड़ लीजिए दोस्तों ऐसे आपको पत्तों को तोड़ लेना है ये देखिए दोस्तों आप दूधी घास के इतने पत्ते तोड़ लीजिए और इतने पत्ते जो तो जितना दोस्तों आप दूधी घास के पत्ते लीजिए उतना आपको लेना है कनेर का पत्ता दोस्तों कनेर के पत्ता और दूधी घास का पत्ता दोनों मिलाकर दोस्तों पीस लीजिए पीसने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है आप इसको अपने सर पर लगा लीजिए और एक घंटे बाद दो घंटे बाद दोस्तों आप इसको गर्म पानी से धुल दीजिए मात्र आप 21 दिन ऐसा इस्तेमाल कर लीजिए जो आपके बाल टूट रहे हैं जो आपके बाल झड़ रहे हैं दोस्तों वो झड़ना बंद हो जाएंगे तो दोस्तों जंगली जड़ी बूटियाँ बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती हैं बस आपको इनके बारे में जानकारी नहीं रहती है यही जानकारी दिलाता हूँ दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो हमारे छोटे से चैनल देसी घरेलू ज्ञान को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाते रहें और आपको जानकारी देते रहें दोस्तों इसके अलावा मान लीजिए आपको फोड़ा हो गया है आपको बलतोड़ हो गया है आपको फुंसी हो गया है तो दोस्तों आपको क्या करना है आप दूधी घास के कुछ पत्तों को तोड़ के ले जाइए और इसको खूब बढ़िया से पीस कर पेस्ट बना लीजिए दोस्तों पेस्ट को आपको अपने फोड़े वाली जगह पर लगा कर सूती कपड़े से बांध देना है दोस्तों आप रात में बांधेंगे सुबह आपका फोड़ा बह जाएगा और जो उसमें मवाद ववाद होगी तब बह जाएगी तो दोस्तों इस्तेमाल करिए दोस्तों घरेलू चीज़ें हैं अपने आप मिलने वाली चीज़ें हैं दोस्तों इस्तेमाल करिए और ज़्यादा ज़्यादा डॉक्टर के चक्कर में ना पड़ेगी नहीं दोस्तों जो आप एलोपैथिक दवा खाते हैं एक जगह फायदा करती है कहीं ना कहीं नुकसान भी करती है चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे छोटे से चैनल देसी घरेलू ज्ञान को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाते रहें और आपको जानकारी देते रहें धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए टेक केयर